मैं 10 में से सीधा 1000 की रेटिंग दूंगा। चलो भाई, 10 में से 10 की रेटिंग काम नहीं करती, 10 में से 1000 की रेटिंग सिर्फ ये शो करती है कि इंसान जो है वो एक तो सिंसियर है अपने काम को लेके। के पास स्कॉर्पियो है, चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, पैसे चाहे मुझे देने पड़ जाए, कार का यही डीलर चलेगा। भाई देख लो अपने साथ है भाई, 3-3 स्कॉर्पियो है, तीनों अपनी बेस वेरियंट Z4, एक एरी और सारा काम हो रहा है भाई अपने फेवरेट स्टोर ऑटो मैजिक कार डेकोर पे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटो मैजिक व्लॉग्स में। मेरा अंदाज है भाई, आज हमारे साथ एक और Z4 वेरियंट स्कॉर्पियो एंड का, अभी देख रहे भाई यहाँ पर अपने डोर पैनल्स खोल रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी डैम्पिंग प्लस अपने सीट कवर्स, और दिखाया था भाई कैसे कुछ लुक आया थी अभी। तो यहाँ पर ही अपनी कंपनी से फैब्रिक वाले जो अपने आते हैं सीट कवर्स, ऐसे कुछ लुक आती है और जो जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ लुक देखने लगे मिलने वाली वीडियो के अंदर। प्लस अगर बात करें ये वाले पैनल्स क्यों खोले जा रहे हैं, अगर किसी भाई को वाले पार्ट सिल्वर पेंट करवाने हो, डिप पेंट, तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। प्लस अगर अपना इनर हैंडल वाला पार्ट करवाना हो या फिर ये वाला पार्ट ग्लॉसी करवाना हो, ये वाला पार्ट भी कर सकते हो। रिप्लेसमेंट चाहिए, रिप्लेसमेंट सीन भी मिल जाता है आपको देखने लिए। अभी डोर पैनल्स पूरे ओपन करे जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अपनी भाई यहाँ पर डैम्पिंग कर रहे हैं, वो भी डुअल लेयर डैम्पिंग। एक डोर पे अपनी हो चुकी है, अभी दूसरे डोर पे भाई खोलेंगे तो आपको दिखाऊंगा ओवरऑल डैम्पिंग के बाद कैसा डोर पहले कंपनी से आता है और क्या डोर पैनल यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसका डिफरेंस क्या रहने वाला है। जैसे भाई पुराना एक ओपन सरफेस था, तो डैम्पिंग करने के बाद प्रॉपर एक बॉक्स बन चुका था, बॉक्स में क्लैरिटी निकल के आ जाए स्पीकर्स की, आपकी कंपनी स्टॉक स्पीकर्स ही यहाँ पर इनहांस हो जाते हैं, प्लस अपनी कूलिंग में भी इफेक्ट आने वाला है। साथ में भाई अपने हिमांशु भाई, तो भाई क्या कुछ फायदे रहने वाले इसके? ये जो डैम्पिंग अपने ये नाकामिची ब्रांड का रहने वाला है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारे स्पीकर है उसकी साउंड 20% बढ़ जाती है, मतलब पहले से बेटर हो जाती है, क्लियरिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है पहले, ठीक है भाई। जब तो भाई अगर मैं सोच रहा हूँ ना कि स्पीकर्स नहीं अपग्रेड कराने, तो उनके लिए डैम्पिंग सही रहती है ना? सही रहती है, और जो रोड पे गाड़ी चलती है जो टायर का थोड़ा बहुत नॉइस आता है, हाँ। वो भी मतलब कम हो जाता है, ठीक है भाई। और अपने डोर्स तो हैवी हो जाते हैं, जब हम बंद करते हैं तो एक बिना डैम्पिंग का कट का आवाज आता है, तो वो डिफरेंस आपको देने मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये अपना बेस वेरिएंट है, इसमें अपने यहाँ पर रिम्स आते हैं, एक अपनी स्कॉर्पियो खड़ी, इसमें भी अपने रिम्स आते हैं, ये भी अपना Z4 वेरिएंट है, ये अपने व्हाइट कलर के अंदर, ये अपने ब्लैक कलर के अंदर। तो भाई पहले भी और वीडियोस आपको दिखा रखी है मैंने इस शॉप की, तो अपना प्रीमियम क्वालिटी स्टोर आपको मिलने ना ऑटो मैजिक कार डेकोर, कोई भाई स्कॉर्पियो एन के लिए सोच रहा हो तो ये मिलने वाला भाई सब कुछ। प्लस अगर बात करें यहाँ पर ये वाला ग्रीन वाला क्रोम पूरा इंस्टॉल कर रखा है, ये अपना जेन्युइन रहता है भाई। तो भाई महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स पे कितना परसेंट डिस्काउंट? 5% डिस्काउंट। चलो भाई 5% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स पे। तो किसी भी कस्टमाइज ऑप्शन चाहिए अपना हेडलाइट्स का, वो वेरिएशन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। एलईडी में अपग्रेड कराना वो ऑप्शन मिल जाएगा, हेडलाइट टॉप मॉडल की चाहिए वो वेरिएशन मिल रहा है भाई, मतलब जो चाहिए आपको बस वो बताओ वो यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन टॉप मॉडल में जो आप रोशनी नहीं आएगी, या तो अपनी खुद के हेडलाइट में कस्टमाइज करवा लो या उसमें एलईडी डलवा लो। चलो ठीक है भाई, देखो भाई अपने बेस्ट आपको रिकमेंड करेंगे, बाकी अच्छा कस्टमर की डिमांड होती है उस तरीके से सारा काम यहाँ तक कर दिया जाता है। और एक वीडियो ठीक है भाई, और जो इस वाली गाड़ी की वीडियो और एक गाड़ी और थी इन बिटवीन यहाँ पर, वो जा चुकी है, उसकी अलग वीडियो आपको चैनल में मिल चुकी होगी, किसी को देखनी हो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उसमें अपने 18 इंच के अलॉय व्हील्स अपग्रेड कर रखे थे, 17 इंच मिल जाएंगे भाई, 17 में अवेलेबल है, लेकिन जो लुक खुल के आते हैं ना 18 इंच में ही आती है, ठीक है भाई। पहले 17 बोलते थे लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आता है, माइंड देखो दे दो तो हाँ। 10 से 12-15 हजार रुपए का फर्क आता है, 10 से 15 हजार के बीच में डिफरेंस आएगा। और अपने ये वाले जो टायर है ये लेस हो जाएंगे, 18 इंच इसके अंदर लग जाएंगे, जौन सा ब्रांड आपको चाहिए वो आपको ब्रांड मिल जाएगा, 18 इंच अलॉय मिल जाएंगे महिंद्रा जेन्युइन, वो भी है ना। और भाई कोई भाई अगर आफ्टर मार्केट सोच रहा हो, जैसे भाई जिसको थोड़ा ये बनानी हो माफिया कार, तो स्कॉर्पियो अपनी जो चलती आ रही है माफिया कार एक तरीके से, जो अपने जाट गुजर भाई लेते हैं, तो भाई उनके लिए मतलब यहाँ पर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आफ्टर मार्केट चाहिए आफ्टर, जेन्युइन चाहिए जेन्युइन। हिमांशु भाई यहाँ पर आपको डील करने वाले अच्छे खासे रेट्स के अंदर है ना भाई। सो भाई यहाँ पर हिमांशु भाई क्या दिखा रहे हो? डैम्पिंग। तो भाई ठीक है, लेयर में रहने वाले, ठीक है भाई। मतलब बहुत लोग पूछ रहे हैं डुअल लेयर होती क्या चीज है, तो ये देख लो ये होती है डुअल लेयर, लग जाती है। तो भाई बड़ी दरवाजा है, इसमें 1.5 सीट लगती है अंदर, बड़ा गाड़ी है, बड़ा दरवाजा है। हाँ तो भाई बड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ पर भाई रेडी करते हैं, लेकिन भाई इसमें दिखा दो डिफरेंस क्या आता है, सिंगल लेयर में सिंगल लेयर ओनली भाग की तरफ दिया जाएगा, इससे फिर ज्यादा बेनिफिट आता नहीं है। देखो भाई हम अगर आप डैम्पिंग करवाते हो तो प्रॉपर करवाओ, यानी तो ना ही करवाओ भाई। देखो करवा रहे हो तो एक बार आप गाड़ी खुलवा रहे हो, एक ही बार चीज होती है। यहाँ पर अंदर तरफ डुअल लेयर डैम्पिंग कराओ अंदर तरफ भी, प्लस अगर भागा एरिया वो पूरा कवर कर देंगे। अगर बात करें यहाँ पर अपने गेट्स भाई, ये देखो कितने हैवी हो चुके भाई यहाँ पर। तो भाई अभी अभी सिंगल ले गए जब इतना डिफरेंस देने में मिल रहा है, डुअल के बाद तो मतलब बढ़िया प्रॉपर। अभी दिखाएंगे पूरा कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद दिखाएंगे। तो भाई किसी भी को करवाना हो स्कॉर्पियो एन के अंदर मैजिक, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है भाई ऑटो मैजिक कार डेकोर पे हिमांशु भाई के पास। तो भाई फाइनली यहाँ पर अपनी महिंद्रा काम कम्प्लीट हो चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई अपनी हेडलाइट क्यों ऑन कर रखी है, इसमें एलईडी तो लगाई नहीं है भाई,
लेकिन हमने यहाँ पर ये ऑन करी है भाई डिफरेंस दिखाने के लिए बेसिकली कि मतलब इसकी रोशनी कितनी रहती है। अगर आप इसको एलईडी में कन्वर्ट करोगे तो बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिल जाएगी। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा कि भाई इसमें रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है, तो भाई आपके सामने कितनी घटिया रोशनी है भाई। अगर इसमें बढ़िया रोशनी चाहिए क्या कर दोगे? एलईडी लगवाओ या फिर हेडलाइट कस्टमाइज करो। चलो भाई यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं भाई, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ से कहीं और भेजोगे फिर आएगी लाइट अपनी कस्टमर वो बनेगा। तो भाई देखो खुला हुआ है अभी, अभी ये स्विफ्ट भी खुली है, अच्छी खासी मॉडिफाई यहाँ पर हो रखी है भाई। इसी कस्टम हेडलाइट लगा रहे हैं और सामने भी अपनी वो रखी वेन्यू की हेडलाइट, ये अपनी वीजा की टॉप मॉडल की हेडलाइट रखी हुई है। किसी भाई को चाहिए हो तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसकी रोशनी नहीं है, कस्टमाइज करा लो, कस्टमाइज का ऑप्शन भी मिल जाता है भाई। वो कस्टमाइज करने वारंटी वर्ड होती है फिर नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं आती वारंटी, कोई वारंटी में दिक्कत नहीं आती ना। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं भाई कस्टमाइज करवा लेंगे तो वारंटी वर्ड हो जाएगी, कुछ नहीं आता, तो वाला सिस्टम इसमें नहीं मिलने वाला। फॉग लाइट्स नहीं इंस्टॉल कराई गई है भैया की, भी डिमांड नहीं थी फॉग लाइट की। जो भैया की बेसिक रिक्वायरमेंट थी डैम्पिंग थी, सीट कवर था, थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम था वो था, वो यहाँ पर भाई ने करके दिया है। चलते फिर गाड़ी की तरफ, आपको हर एक चीज दिखाएंगे। फर्स्ट चीज यहाँ पर दिखाते भाई ये क्रोम, तो ये अपना जेन्युइन क्रोम रहता है भाई, महिंद्रा जेन्युइन क्रोम है। ग्रिल रिप्लेसमेंट सीन भी मिल जाता है भाई, अवेलेबल है, ठीक है भाई। ग्रिल हाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखा देंगे, रिप्लेसमेंट सीन किसी को चाहिए भाई। देखो महिंद्रा इतनी बड़ी गाड़ी है, पार्ट्स मिलने थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन भाई आप फुल कोशिश कर रहे दिखाने के भाई, क्योंकि भाई को भाई स्कॉर्पियो एन से प्यार हो चुका है। कह रहे भाई मैजिक करूंगा स्कॉर्पियो एन में, तो बस इस दुकान पे करूंगा ऑटो मैजिक के ऊपर। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट साइड में ये था। साइड फेस की बात करें तो यहाँ पर बम्पर प्रोटेक्टर इंस्टॉल करे गए, ये अपने जेन्युइन रहते हैं भाई, महिंद्रा जेन्युइन रहने वाले हैं। महिंद्रा जेन्युइन बम्पर प्रोटेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं, ठीक है। आफ्टर मार्केट में वो पट्टी टाइप आती है ना, तो कोई भाई किसी को लगवाना हो तो उसकी तरफ मत जाना, थोड़ा घटिया लगता है मेरे हिसाब से। साइड फेस की बात करें यहाँ पर अपने 17 इंच रिम मिल रहे हैं, अलॉय में अपग्रेड कराना हो ऑप्शन मिल जाएगा अवेलेबल, 17 इंच और 18 इंच दोनों अवेलेबल, दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर 18 में अपग्रेड करवाओगे तो मोटा मोटा 10 से 15,000 का आपका अप एंड डाउन आएगा। मतलब जो अगर 17 लगवाते हो और 18 में 10 से 15 के बीच में खर्चा वो डिफरेंस आता है। हाँ तो भाई लोग बोल रहे हैं प्राइसिंग बताओ, अगर हम 18 इंच लगवाएंगे तो आपको मोटा मोटा 10,000 से 15,000 के बीच में आपका डिफरेंस आएगा, वो आप यहाँ पर करवा सकते हो। अगर लेकिन जो लुक आती है वो 18 इंची में ही आती है, हाँ थोड़े हैवी बल्कि लुक आती है, टायर भी चेंज आते हैं, टायर भी थोड़ा बड़ा, हाँ क्योंकि अभी 17 इंच में उसमें अपग्रेड कर देंगे। साइड फेस की बात करें यहाँ पर साइड बेडिंग इंस्टॉल करी गई है जो कि अपने जेन्युइन रहने वाली है, तो अच्छी खासी लुक यहाँ पर इनहांस कर रही है बेसिकली, और सिल्वर में ये मिल रहा है। किसी को ब्लैक कराना, ब्लैक भी यहाँ पर फोटोशॉप अवेलेबल है। और अगर रिप्लेसमेंट सीन रिप्लेसमेंट डिपेंड्स डिपेंड हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। एक डोर गार्ड लगा है, आईपॉप का ओरिजिनल है, आईपॉप का डोर गार्ड ओरिजिनल इसके अंदर इंस्टॉल करा गया भाई। चलेंगे कर्टन की तरफ, उससे पहले का बैक एंड पे लुक दिखाए थे, एक अपना बुल गार्ड इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है, ये रहने वाला अपना एल्युमिनियम में आफ्टर मार्केट, ठीक है। ये अपना आफ्टर मार्केट के अंदर रहता है। स्टार्टिंग रेंज की बात कर ले, स्टार्टिंग आफ्टर मार्केट जो स्टार्टिंग रेंज है वो 3,000 रुपए से स्टार्टिंग है, ठीक है भाई। 3,000 रुपए स्टार्टिंग मिल जाती है अपनी बुल गार्ड की यहाँ पर, जैसे एज पर क्वालिटी आपको चाहिए ऊपर की रेंज में भी अपनी बुल गार्ड अवेलेबल है, ठीक है। चलते भाई गाड़ी के अंदर, आपको ओवरऑल कार की लुक दिखाते हैं। तो गेट्स खोलने पे आपको पहले बात मिलने वाले हैं महिंद्रा के जेन्युइन कर्टेंस, तो ये अपने जेन्युइन रहते हैं, इसमें महिंद्रा की बैजिंग देखने मिल जाती है। तो फ्रंट साइड से महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, आफ्टर मार्केट नहीं इंस्टॉल कर रखे। इसमें अपने 6 पीस आते हैं भाई, 4 पीस आते हैं, ठीक है भाई। अभी डिग्गी का भी लगा देंगे, अभी बस फ्रंट का लगा दिया दिखाने के लिए। यहाँ पर ये इंस्टॉल करा गया है कि अंदर यहाँ पर मिलने वाला है, इसमें महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी देखने के लिए। और ये एंड का है, और दिखा देता हूँ भाई, थोड़ा नेटेड टाइप के अंदर होता है यहाँ पर देखने के लिए। जेन्युइन चाहिए किसी को, जेन्युइन भी मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं, 2,250 रुपए से कुछ MRP मिलने वाली, किसी भी को चाहिए वो मिल जाएगा। डिस्काउंट दे रहे हो MRP पे 5% का ऑल महिंद्रा जेन्युइन भाई। भैया से पूछेंगे भैया को डिस्काउंट दिया गया है फिर नहीं दिया गया, एंड में पूछेंगे भैया से। बाकी दिखाते हैं भाई गाड़ी, यहाँ पर अपने सीट कवर जो इसके अंदर इंस्टॉल कर रखे वो दिखाते हैं, और अपने सीट कवर के साथ अपने मैट्स भी इंस्टॉल करेंगे। ये अपना 70 ऑटो फ्यूचर में रहने वाला है, ठीक है भाई। तो प्रीमियम क्वालिटी मैट्स रहते हैं बेसिकली, ऑटो फ्यूचर की ब्रांडिंग भी मिलने वाली है, और यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी, और क्वालिटी में 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो आप मार्केट में लगवाते हो उसमें थोड़ा फिटिंग ऊपर नीचे रहता है, हाँ जो नॉर्मल 70 आते हैं, नॉर्मल 70 होता है, और इसमें फुल वेलक्रो है। तो भाई जो नीचे देखोगे सारा वेलक्रो है, ठीक है, क्या होगा इसकी फिटिंग प्रॉपर आती है। और यहाँ अगर बात करें ना तो यहाँ पर भी ये भी वेलक्रो सिस्टम है इसके अंदर, देखिए लॉक सिस्टम होता है तो क्या होता है 2-3 महीने 4 महीने बाद वो लॉक खराब टूट जाते हैं, तो सिंपली इसको यहाँ पर आपको हटाना है, इसको क्लीन करना है, और ये वापस सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। फिटमेंट अच्छी खासी मिल जाएगी यहाँ पर स्कॉर्पियो एन के लिए। GFX मिल जाएगा भाई, GFX मिल जाएगा, चलो ठीक है, GFX भी चल जाएगा। बाकी चलते भाई कार के अंदर, तो यहाँ पर बताएंगे भाई अपने गितेश भाई क्या कुछ कर रहे हैं भाई। इसमें लगा भैया सोफा लेमिनेशन सीट कवर, ठीक है भाई। तो फिटमेंट की बात कर लेते पहले, फिटमेंट नॉर्मल फिट हुआ है, मतलब भैया ने टच करवाते ओरिजिनल बटर फिट नहीं करवाया है, ठीक है।
तो नॉर्मल फिटिंग आप देख सकते हो तो इतना बढ़िया लग रहा है। भाई फिटिंग दिखाए थे, कितनी अच्छी खासी फिटमेंट आपको देखने मिलने वाली है। ये अपने नॉन बकेट सीट कवर से स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, भाई को दिखा देना, इंस्टॉल कर देंगे। सॉफ्ट टच हुआ आर्मरेस्ट पे इसमें, तो इसकी भी आप स्पॉन्ज देख सकते हो कितना प्यारा है। ठीक है भाई देख लो, यहाँ पर सॉफ्ट टच देखने में मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर साइड में अपने स्टिचिंग कर दी गई सीट कवर के मैचिंग के हिसाब से, यहाँ पर किसी को सॉफ्ट टच करवाना हो तो यहाँ पर करवा सकते हो। ये अच्छी खासी फिटमेंट में इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है भाई, ओएम स्ट्रिंग रैप कर दिया गया है। यहाँ का किसी को पूरा डिप पेंट रिप्लेसमेंट सीन चाहिए, डिप पेंट भी हो जाएगा, रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा, यहाँ पर लेदर वर्क हो जाएगा। आपको इसमें डिप पेंट करके दिखाते हैं, हम रिप्लेसमेंट दिखाएंगे। चलो भाई इंतजार में। ठीक है भाई, वो रिप्लेसमेंट सीन जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। भाई एक अपने जो मेन क्वेश्चन हो रहा है स्कॉर्पियन वाले का, कैमरा एक्टिवेट हुआ या फिर नहीं हुआ? अभी कैमरा अभी नहीं आया है, आएगा तो वो भी दिखाएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे वो भी। ठीक है भाई, क्योंकि कैमरा की बहुत डिमांड आ रही है। कितने कस्टमर का फोन आता है, कितने भाई बोलते हैं कि मेरा मिरर पे लगा दो, लेकिन वो चीज स्कॉर्पियो में सही नहीं लगता। देखो भाई स्कॉर्पियो इतनी प्रीमियम कार में जा रहे हो, आप मिरर के ऊपर कैमरा लगा रहे हो, मेरे हिसाब से वो वर्थफुल नहीं है। कार है मतलब वो कुछ टाइम और वेट कर लो, ओरिजिनल लगा, ओरिजिनल लगवाना। ठीक है भाई, बैक एंड में चलते हो, बैक एंड की फिटमेंट दिखा दो, कैसी फिटमेंट मिलने वाली है यहाँ पर। तो पीछे इधर अपने मैट्स की फिटमेंट ऐसे कुछ मिलने वाली देखने के लिए। यहाँ पर अभी भैया का सामान रखा हुआ है, ये कर्टन्स रखे हुए हैं जो यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। चेन सिस्टम मिलने वाला है यहाँ पर, भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फिटिंग के मामले में, ऐसा कुछ नहीं कि एलपी कहीं से मार दे। एलपी सिस्टम तय नहीं होता, सारा लॉट टू लॉट और चेन फिटिंग आएगा। ठीक है, प्लस अगर बात करें पीछे अपनी डिसेंट स्पेस मिलने वाली है यहाँ पर अपनी फाइल्स रखने के लिए, और विद अपना प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर जो अपने सीट कवर्स का क्वालिटी इंस्टॉल करी है ना भाई ने, अच्छी खासी फिटमेंट के साथ इंस्टॉल कर रखी है। स्टार्टिंग रेंज की बात कर ले भाई, स्टार्टिंग भैया 8,000 रुपए। ठीक है चलो भाई ठीक है, लेकिन मतलब 7-8 हजार रुपए से अपनी स्टार्टिंग हो जाती है सीट कवर्स के। कस्टमर्स आएंगे, ट्रस्टेड कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि ये अपना ट्रस्टेड शॉप है स्कॉर्पियो एन के लिए, किसी भाई को काम कराना हो तो आगे चलते भाई कस्टमर पास, उनसे सारा काम उनको कैसा लगा। तो भाई यहाँ पर एक चीज और दिखाया था, क्या कुछ इंस्टॉल करा भाई है? ये ऑटोमेटिक पे पैडल कवर, ये मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का अवेलेबल है। मैनुअल में 3 पीस आता है, ऑटोमेटिक में 2 पीस आता है। ठीक है, और भी वीडियोस में दिखा रखा है, अपना मेन तो जेन्युइन पैड रहता है, किसी को चाहिए हो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई महिंद्रा जेन्युइन टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं। एक अपने डैम्पिंग में इंस्टॉल करिए भाई इसके अंदर, तो ठीक है भाई नाका मिर्ची की डैम्पिंग इंस्टॉल कर रखी है। डोर्स अपने पूरी हैवी हो चुके हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो भाई देखो कितना डिफरेंस यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। जो अब डोर बंद हो रही है, पहले क्लोजिंग में कितना स्मूथ हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देने में मिल जाएगा। प्लस अपने जो स्पीकर्स कंपनी वाले है वो यहाँ पर इनहांस हो चुके हैं, किसी को अपग्रेड नहीं करने हो तो। ठीक है भाई, बाकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है 20%। ठीक है, बाकी ये रहे अपने प्राउड ओनर भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंकज है। कहाँ से आए थे भैया? मैं फिलहाल आज तो वैसे मेरठ से आया था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एड देखा था आपका, तो मुझे महिंद्रा भी नहीं ली थी मैंने 5-6 दिन पुरानी, तो यूट्यूब पे देखा महिंद्रा में काम करते हैं, तो मैं कहा करोल बाग ही चलता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में सफदरजंग या बराबर जगह जगह काम करता रहता हूँ। ठीक है, उसी के लिए आया था, तो मैंने महिंद्रा काम किया। एक तो काम किया वो सब जिसकी जरूरत होती है इंसान को, और पैसे थे ज्यादा, उसके बाद भी अपने अनुसार, ये तो कह रहे थे जितने आपको देने हैं दे दो, मैंने कहा मैं तो बढ़ा सकता हूँ कम नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपने हिसाब से मुझे 5 या 10 या 15% का डिस्काउंट दिया। तो अच्छा अच्छा लगा सारा काम वैसे आपको? अच्छा तो लगा, खाना भी खिलाया भी पिलाया। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन भैया की थिंकिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर। भैया बहुत कुछ चीजें नहीं करके अपने लिए, जो अपनी जनता के लेके आने वाले, भैया अपनी खुद की वेबसाइट्स भी इंस्टॉल करने वाले, ऑर्फनेज भी खोलने वाले, तो वो चीजों को बड़ी अच्छी लगी भैया के बारे में। अगर 10 में से रेटिंग देनी हो भैया कुछ, मैं 10 में से सीधा 1,000 की रेटिंग दूंगा। चलो भाई, 10 में से 10 की रेटिंग काम नहीं करती, 10 में से 1,000 की रेटिंग सिर्फ ये शो करती है कि इंसान जो है वो एक तो सिंसियर है अपने काम को लेके। रात हो गई, सर्दी का मौसम है, पर सब लोग सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं आज यहाँ पे कि मेरी कार का काम चल रहा था, वरना 9-10 बजे तक लोग अपने घर जाते हैं, ये भी यहीं पे वेट कर रहे हैं ताकि मेरी कार हो, मैं भी जाऊं और ये भी लोग अपने घर चले जाएं, ताकि इनके साथ भी घर परिवार के लोग मिल जाएं। तो को भाई सोच रहा हो यहाँ पर विजिट करने के लिए, बेस्ट स्टोर मिलने वाला ना स्कॉर्पियो वालों के लिए? दोस्त हैं जिनके पास स्कॉर्पियो है, चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, पैसे चाहे मुझे देने पड़ जाए, रेस्टोरेंट ये कार का यही डीलर चलेगा। चलो भाई, ये चीज भैया ने बहुत अच्छी बोल दी भाई, सबको बढ़िया मिला भैया को दिया। जैसे भैया खुश होके गए, ऐसे जितने भी स्कॉर्पियो वाले भाई आएंगे सब खुश होके जाएंगे। देखो भाई, सारे अपने कस्टमर्स अपने सारे भाई भाई खुश होकर जाने चाहिए, बढ़िया सबको देना। तो स्कॉर्पियो एन कोई भाई सोच रहा हो काम करवाने के लिए, तो प्रीमियम स्टोर मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं अपने भाइयों का, कोई डिटेल्स कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो।